मणिका दंतेवाड़ा से जहां पर कुख्यात नक्सली कुम्मा मरकम को गिरफ्तार किया गया है। हत्या और चुनाव में बम विस्फोट का यह आरोपी था। पांच आपको बता दें पंच प्रत्याशी लक्ष्मण मंजावी की हत्या का भी आरोप इस पर है। आरोपी को सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। कुआकोंजा इलाके से ये गिरफ्तारी हुई। हत्या और पंचायत चुनाव में विस्फोट करने का गंभीर आरोप है। जनमिलिशिया नक्सली दुग्गाली कारका के जंगलों से इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार नक्सली कुम्मा मरकम 4 सालों से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। पंच प्रत्याशी लक्ष्मण मंडावी की हत्या, चुनाव में पुलिस पार्टी पर विस्फोट करने का आरोप भी इस पर है। कुआकोंडा डीएफ डीआरजी और बड़े गुडरा सीआरपीएफ 195 के जवानों ने घेराबंदी कर इसको गिरफ्तार किया है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र से मिली ये बड़ी सफलता इस पूरी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि कुआकोंडा टीआई जितेंद्र साहू ने भी की है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, कितनी देर पहले ये गिरफ्तारी हुई है? आज सवेरे ही गिरफ्तारी हुई है और कुआकोंडा थाने की सफलता है। कुआकोंडा थाने से थाने का स्टाफ, डीआरजी के जवान और बड़े दूसरा 195 बटालियन के सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन निकाला था और दुगाली करका के गांव से कुम्मा मरकम नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जनमिलिशिया का नक्सली है और 1 फरवरी को इसी दुगाली करका में एक पंच प्रत्याशी की हत्या हुई थी। लक्ष्मण नाम था उसका, उसे जीत सड़क में मार के फेंक दिया गया था। उस हत्या में यह शामिल था और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में एसपी और कलेक्टर की गाड़ी जा रही थी तो सामने में एक छोटा सा विस्फोट भी हुआ था। उस विस्फोट की घटना में भी यह शामिल बताया जा रहा है। हालांकि अभी इससे और लगातार पूछताछ हो रही है और भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो पार्थक दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव बताया। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।